हाँ भाई, क्या हो गया? कैसे हैं आप सभी? गर्मी बहुत पड़ रही है यार। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत करता हूँ और बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, मैंने रेलवे का सब्सक्रिप्शन लिया है, सही ना यहाँ लिए? कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ाई करने से मतलब है। आप सभी का स्वागत है भाई, तहे दिल से स्वागत है। क्वेश्चन बनाए? क्वेश्चन बने? हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, थोड़ा आपको रेलवे से हटके लेवल मिला है मुझे पता है, और लेकिन परेशान मत होना, हम ट्राई करवाते हैं। कुछ नहीं बना, कुछ बन गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखो घबराना है नहीं, चीज़ें हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनसे नहीं बना है कोई बात नहीं, जिनसे बन गया है कोई बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन हमने पहले कल बना लिया था, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपका निकल कर आ गया होगा, जीरो। ठीक है, राजू सिंह ने एक क्वेश्चन भेजा है, चलो अच्छा डाउट सेशन में है ना, तो डाउट भी ले लेता हूँ मैं, है ना। ऐसा करता हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, फिर डाउट ले लेंगे। ठीक है, फिर मैं इनकी फाइल भी डाल दूंगा, इसकी सॉल्यूशन फाइल भी मैं डाल दूंगा, जो मैंने बना के रखी हुई है ना वो मैं डाल दूंगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा लेंदी है। ये हमने सॉल्व किया था, हमारा क्या निकल कर आया था सर? हमने ये सॉल्व किया था तो ये निकल कर आया था 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 इंटू 6 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 16। सॉरी, तो यहाँ से कितना निकल कर आया इसको मैं, सॉरी 6 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये निकल कर आया 3 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 8, और ये 6 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 16। 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 कट जाएगा, और 8 और 9 17 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा 3 आ गया। तो क्या मैं इस पूरे पोर्शन को 3 कह सकता हूँ? यानी कि अब मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ये वाला पोर्शन जो हमें करना है सॉल्व। थोड़ा लेंदी भी होगा, टिपिकल भी होगा, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना। यहाँ पूरा मैं साफ साफ लिखना चाहूँगा आप लोगों के लिए, आराम से लिखते हैं। देखो 5/12 है प्लस 1/99 माइनस 1/70 प्लस 5/12 मल्टीप्लाई 1/99 इंटू 1/70, और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 1/5/12 इंटू 1/99 प्लस 5/12 इंटू 1/70 प्लस 1/99 इंटू 1/70। यही है माय डियर। एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप एलसीएम क्या लोगे, आपका जो एलसीएम बन के निकल के आने वाला है यहाँ पर, वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर, 12, 99 और 70 आएगा। ये ज़रा सोच के देखो, यही एलसीएम आने वाला है। ठीक है, यही एलसीएम आने वाला है, और इसमें भी जो हमारा एलसीएम आने वाला है फाइनली, वही आने वाला है 12, 99 और 70। यानी कि कहने का मतलब यही है कि एलसीएम एलसीएम है, यानी कि फ्रैक्शन से नीचे डिनोमिनेटर तो कट जाएगा क्योंकि सेम एलसीएम ऊपर नीचे आ रहा है। अब हमें क्या करना है? बस ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। बैकग्राउंड की साउंड आ रही है, क्या साउंड आ रही है, किस तरह की साउंड आ रही है मुझे बताओ? मतलब ऐसी साउंड आ रही है जो आपको पढ़ने से रोक रही है, आपको बोल रही है कि नहीं तू नहीं पढ़ सकता। सब ओके है? ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं, और आएगी यार, क्योंकि है ना गर्मी है, सब घर में बैठे हैं अपने, हल्ला मचा रहे होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब मैंने देखा ये 5/12 है, तो ऊपर क्या आएगा? आप मुझे डिनोमिनेटर सेट करके बताओ ऊपर क्या आएगा। बस यहाँ ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ सर, ऊपर 12 का भाग दोगे तो ये आएगा 5 × 99 × 70। गुणा नहीं करना है, गुणा अभी नहीं करना है, प्लस 99 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12 × 70। अजीब लग रहा होगा लेकिन लगने दीजिए, 70 का करूँगा तो कितना आएगा? 12 × 99। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 12 12 99 70 तो ये है ही, तो यहाँ आ जाएगा 5। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर वाला हिस्सा मेरा ये निकल कर आ गया, ये वाला? अब कुछ नहीं है, नीचे तो डिनोमिनेटर है, वो कट जाएगा अपने आप। ठीक है, अपॉन अपॉन में क्या करूँगा? बस एलसीएम का जो ये यहाँ पर ले आऊँगा इसको, 12 × 99 × 70 माइनस तो है ही, 12 × 99 है तो 70 × 5 = 350 प्लस 12 × 70 है 99 × 5, और 99 × 70 है तो यहाँ आ जाएगा 12, यही आएगा। थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हो? अगर ऐसा सोच पा रहे हो तो भाई स्वाभाविक रूप से आपकी भी मेंटली जीत है, मेरी भी मेंटली जीत है ना। चीज़ों को बस समझो और अपने आप सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है माय डियर, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ सॉल्व करना, और मैं सॉल्व करके यहाँ देख रहा हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं मानता हूँ, और थोड़ी सी है लेकिन ध्यान रखो कि हाँ बहुत बड़ा स्टेप है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए ये निकल कर आ रहा है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, हाँ ध्यान देना, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा? 18 और 2, यहाँ यूनिट डिजिट आ रहा है 7, और यहाँ कितना निकल कर आ रहा है? 0 0 और 5 और 2 7, यहाँ भी आ रहा है 7, यानी कि 7/7 आएगा, यानी कि 7/17 बार बार आ रहा है, तो 3 हमारे पास यहाँ पर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वैसे तो कर सकते हो कि नीचे भी 7 ही आ रहा है तो 17 7/17। चलो खैर हम सॉल्व करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने भी बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया था, जो भी लिटरल बात है जो भी है। अब देखो माय डियर, आराम से देखिए, हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी चलेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस हमारे पास है, हम उसका यूज़ क्यों ना करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ सर 10 मिनट लग जाएगा एग्जाम में ये सॉल्व करने में, लगने दीजिए ना। और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो कौन सा एग्जाम होगा पता है आपको, है ना, कैट होता है, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जहाँ 3-3 घंटे का पेपर होता है। तो आपको तो सॉल्व करने से मतलब, आपको ये नहीं देखना अभी समय है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, है ना। चलिए मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ 99 है और यहाँ भी 99 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 350 × 99 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 350 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 350 में से अगर 12 जाएंगे तो, क्योंकि 12 जा रहे हैं ना, 12 × 99 का मल्टीपल 338 × 12 बचेगा, बोलो माया ना, सॉरी 99 बचेगा, और 12 × 7 = 84 यानी कि 840 + 840 + 5 इसको सॉल्व कर लोगे, नीचे जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेना। 99 × 12 = 84 में जाएंगे तो कितना बचेगा, 835 × 99 − 338। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे 7/17 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है कर लेना, मैं आगे चल रहा हूँ वरना कैलकुलेशन में फंसे रह जाएंगे हम। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका किसी ने आंसर निकाला, इसका किसी ने आंसर निकाला, क्या आंसर आया, नहीं निकाला, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करवाता हूँ और आराम से करते हैं। ये इजी है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ये इतना लेंदी नहीं है, बस प्रेशराइज करके करना है। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं, सर ये होगा 6 × 6 = 7/6, ऑफ है तो ऑफ का ऑफ आएगा, तो 5 × 15 = 4 कितना हो जाएगा, 19/5। ठीक है, 5 × 15 = 19/5 और 5 × 5 हो जाएगा 6/5 और ऑफ आ रहा है 19/3। अब पहले इसको सॉल्व कर लूँ मैं, सॉल्व करने पर कितना निकला, सर ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, देखो मेरी बात सुनो, 19 से 19 कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम जगह है इसलिए कट गया, और कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम जगह है, और क्या हो सकता है, सेम जगह कट रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ से निकल कर, और 2 से कट गया ये 3 बार, तो कितना निकलेगा, ना 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 ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही काट गया, ज़्यादा ही इसको बेचारे को फ्रीडम दे दिया। देखो सिंपल सी लॉजिक है, ध्यान से देखिए, 7/6, अरे कैसे नहीं कटेगा, हाँ लास्ट वाला नहीं कटेगा, 7/6, 4 × 5 = 15 × 14 = 15 × 4 = 19/5, ये कितना हो जाएगा, 6/5 × 19/5। देखो सेम साइड वाले कटेंगे, सेम साइड वाले, तो क्या मैं 19 ऊपर है कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा सर, 5 नीचे है ये कटेगा, कटेगा ये तो, है ना, ये तो कटेगा ही, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है क्या, तो ये आ रहा है 7/6 × 5/6, अच्छा अच्छा 3 है क्या, माफ करो यार, माफ करो मेरे को, मैंने देखा 7/3 है तो ये 5 इससे कटेगा, ठीक है, तो ठीक है नया 3 था ना, 3 से कट गया ये 2 बार, तो ये 7/12 हो गया, यानी कि ये हिस्सा 7/12 हो गया, ये तो सही है सबका। अब यानी कि मैं इस पूरे हिस्से को मिटा के रख रहा हूँ और इस हिस्से का पूरा नाम दे रहा हूँ 7/12। अब इसकी बारी लेते हैं, 4 × 12 = 13 − 9 = 9 और 4 × 13 = 9 अपॉन 4 × 12 = 13 + 6 × 12 = 13/6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या मैं यहाँ से 13 उड़ा सकता हूँ, ऊपर कितना बचेगा 6/27, नीचे कितना आएगा 9/18, 6/27 × 9/18/9, तो मैंने काटा इसको 3 × 6 = 9 × 27 × 9 = 27, 2/3 आ रहा है क्या, 2/3 ही आया सॉल्व करने पर, एक बार चेक कर लें आप लोग, सही है, कोई गड़बड़ है क्या मेरे द्वारा की गई हो, कोई गड़बड़, 4/9 आएगा, एक मिनट रुक जाओ फिर थोड़ा दोबारा से देख लेता हूँ, ऊपर तो 13 ही आ रहा है, ऊपर तो 13 ही आ रहा है ना सब में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऊपर तो 13 ही आ रहा है, 13 तो सब कट गया, 4 × 12 = 13, 9 × 4 = 13, 4 × 12 = 6 × 13 = 13 कट गए, तो यानी कि 9 में से 3 गए तो 3/27, ओ सॉरी 6/27, 6/27 बटे ये हो जाएगा 6 × 3 = 9/18, तो ये हो जाएगा 6/27 × 18/9, तो 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 6 बार और 3 से काटा कितनी बार 2 बार, तो ये 4/9 आ रहा है। अब ठीक है 4/9 आ गया, यानी कि पूरी रामायण देखी हमने और पूरा रामायण का कंक्लूजन क्या निकला 4/9,
चिंता मत करो, पूरी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ये समझ लो कि आप एक क्वेश्चन में चार सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे हो, इस तरह से सोच के चलो। तो ये आपका कितना आ गया, 4/9 आ गया, ठीक है। इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल करूंगा मैं। 9 7 63 12 4 48, 63 में से 48 जाएंगे तो कितना आएगा, या फिर आप इनको बराबर कर लीजिए, या फिर आप इनको बराबर कर सकते हैं, 12 3 36 और 9 4 36, तो 7 3 21 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा, 5/36, है ना, शानदार चीज। अब इस पे आ जाए, इस पे आ जाते हैं सर, डिवाइड को छोड़ो पहले इसको सॉल्व करो। 4 2 8 9/2 माइनस 16 और 1 16, ये हो जाएगा 27/16, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको 8 से गुणा करूंगा, इसको भी 8 से गुणा करूंगा। 72 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, 72 में से 27 जाएंगे तो 45/16, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, 6 4 24 और 3 27/4, भाग को मैंने मल्टीप्लाई में बदल दिया, 8 3 24 और 3 27/8 है तो 8/27, यानी कि ये कितना बचेगा, 1/2, यानी कि ऐसा हो जाएगा 45/32 माइनस 1/2। तो क्या हम ये कह सकते हैं, 5/36, अब भाग है तो उल्टा कर दूं, 32/45 माइनस 1/2, उल्टा क्यों किया समझ में आ गया ना, मैंने उल्टा क्यों किया, काट के देख लेते हैं, 5 से काटा 9 बार, और किससे कटेगा, 4 9 36, 4 8 32, और ये आ रहा है कि एक बार चेक कर लूं, बहुत थक गया यार इसमें, हाँ यही आ रहा है, 8/81 माइनस 1/2, ऑप्शन में तो नहीं है इसका, ऑप्शन रॉन्ग था इसका मतलब, है ना, मैं देख लेता हूँ आंसर में, ऑप्शन नहीं है, यही आ रहा था ना सॉल्व करने पर सारा, 5/36 सही है अपना, है ना, ये अपना 5/18 आएगा ये वाला पोर्शन, तो ओके सही है अपना, सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन था इसलिए गड़बड़ हुआ, अगर प्लस होता तो क्या आंसर आता, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता, तो जीरो आ जाता, ठीक है, यहाँ वैसे प्लस था, तो यहाँ जिन्होंने डिवाइड करके किया उनका ये आ रहा होगा, और जिन्होंने माइन प्लस लेके करते हैं तो अपना जीरो आ जाएगा, कर लेना सॉल्व, ठीक है माइडिया। हाँ मैंने कोई देख रहा था साइन में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी एरर होती है ना यार, टाइपिस्ट कर देता है, कर देता तो कर देता है, उसको क्या पकड़े, मैं मेरे आंखों से भी छूट जाती है, सर यही आ रहा है, मैंने तो 3 बार ट्राई किया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आसान है, ये क्वेश्चन तो कर सकते थे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन ठीक है, वो प्लस होता वहाँ पर, जो आपने किया है यहाँ तक सही आंसर है, ये आसान है, ये क्या हो रहा है, 0.3 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब, नीचे क्या आ रहा है, 0.6 का क्यूब प्लस 0.06 का क्यूब। आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या होता है, जब मल्टीपल निकल रहा हो तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 1/8 हो जाएगा, सर कैसे, अरे दो कॉमन ले लो ना, 2 का क्यूब इसमें से कॉमन, 2 का क्यूब इसमें से कॉमन, तो ये दोनों तो कट गए, नीचे 2 ज्यादा है ना, मल्टीप्लाई 2, लेकिन क्यूब ऊपर लगा हुआ है तो उस 2 के साथ भी क्यूब आएगा, तो ये 1/8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये कितना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 0.1 का क्यूब, क्योंकि 0.0001 है, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, यहाँ भी गड़बड़ है ना, यहाँ पर साइन में गड़बड़ है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है प्लस आएगा, यहाँ पर वो लगाने में दिक्कत हो गई होगी, ये कितना हो रहा है, 0.23 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, हाँ यहाँ पर क्या 0.03 है, कोई गड़बड़ है, 0.023 आएगा, हाँ कोई गड़बड़ थी या नहीं थी, ठीक 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 थी ना, यहाँ पे गड़बड़ आएगी ना, यहाँ पर आएगा प्लस, ये इसको काटो, इसको लिखो प्लस 0.023 प्लस 0.0, ठीक है मैं बताऊंगा रुको अभी ना, ये क्लियर हो गया, नीचे साइन में था, नीचे साइन आएगा और 0.0 आएगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कट जाएगा, यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 0.13, ए माइनस बी तो बचेगा, 0.13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 13/8, ए प्लस बी करना है ना, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 13/8 104, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ रहा है, सर 2 की पावर 3 कॉमन लिया है नीचे,
आ गया क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट 125 प्लस पॉइंट 13 कितना आया, पॉइंट 255। क्लियर है? अब किसी को ये समस्या क्यों आ रही है कि ये सर ये 1/8 कैसे आया, चलो मैं बताता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। मैं ये लिख दूँ, मैं ये लिख रहा हूँ 0.3 अपॉन 0.6, क्या होता है ये 1/2 होता है, ठीक है। मैंने लिख दिया 0.23 का स्क्वायर, सॉरी 0.3 का स्क्वायर, और मैंने लिख दिया 0.6 का स्क्वायर, सॉल्व करके बताओ तो क्या करोगे, दो यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आया, 1/4 आ गया, ठीक है माय डियर, क्लियर हो रहा है। अगर मैं लिख देता हूँ 0.3 का क्यूब अपॉन 0.6 का क्यूब, अब ओके ओके मैं क्या कह रहा हूँ, 0.3 और 0.6 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.6, 1/4 हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये कहते हो 0.3 का होल क्यूब अपॉन 0.6 का होल क्यूब, तो जो अंदर का गुणा जा रहा है भाई, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, मैंने आपको तरीका बताया था कि 1/a/b, a की पावर n और b की पावर n हो, मेरी बात सुनना चुपचाप, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर n, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि आप अब जब देख रहे हो सेम पावर है, सेम पावर है, तो आप इसको लिख सकते हो 0.6 की पावर 3, अंदर तो कट गया ना 1/2 कट गया ना, सेम चीज़ यहाँ पर लिया मैंने। अब जरा इसको घूरो, इसको घूर के देखो, ये 0.3 का होल स्क्वायर होल क्यूब है और ये 0.003 का है, ठीक है माय डियर। मैं यहाँ से कहता हूँ कि इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 0.3 का होल क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 0.03 का होल क्यूब। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से इसको बाहर ले लूँ, 2 को बाहर ले लूँ तो 2 की घात 3 बाहर आएगी, 8 इधर से बाहर आ गया, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाएगा 0.3 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब, और यहाँ से 8 बाहर आएगा तो देखो 8 × 0.3 का क्यूब प्लस इसमें से भी 8 बाहर आएगा, 8 × 0.03 का क्यूब। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा, 1/8, 8 ही तो कॉमन लूँगा, तो ये और ये बराबर हो गया, इसलिए 1/8 डायरेक्टली लिख देता हूँ। सीखोगे धीरे धीरे, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, ठीक है भाई साहब, क्लियर है सर। NTPC CBT 2 में आ सकता है ये क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, पेपर का लेवल तो अच्छा ही आएगा। 0.23 का क्यूब होगा ना, कहाँ है 0.23, यहाँ 0.23 का क्यूब होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने गलती से लिख दिया, माफी चाहता हूँ, ठीक है यहाँ 0.23 का ही होगा, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है चलो। बट सर जब अलग अलग होगा तो डिनोमिनेटर पूरे नीचे होगा, देवेंद्र अलग 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 है लेकिन कॉमन फैक्टर तो 8 है ना, वो 8 कॉमन ले रहे हो आप, वो तो कट ही जाएगा ना जो कॉमन वाला होगा ऊपर नीचे से। इस क्वेश्चन को तो करना चाहिए था, ये क्वेश्चन किया आपने, इसमें कोई एरर तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ साइन वाई में कोई एरर ना हो, बस आई थिंक देखना पड़ेगा, देखते हैं वैसे तो सॉल्व करते हैं इसको, आंसर आया वेल डन, जिनका भी आया ठीक है, देखते हैं पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करके बताओ, 7 × 28 29/7 माइनस 4 × 8 और 9/4, नीचे कितना आ जाएगा, 3 × 6 7/2 प्लस 8/7, सॉल्व कर लेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है सर, 29 × 4 28 और कट रहा है तो कट रहा है, पता तुम्हें 29 × 4 कितना हो जाएगा 116 और 9 × 7 63 अपॉन 28 और नीचे कितना आ रहा है 7 × 7 49 और 16/14। अब देखो दोस्तों 116 में से 63 जाएंगे तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3, 11 में से 6 जाएगा 56 सॉरी 53 53/28 और उल्टा करूंगा 14/ कितना होगा 49 × 6 हो जाएगा कितना अपना 55 × 10 65, तो 14 से काटा 2 बार ये आया 53/130, यही आ रहा है क्या, यही आया सबका, चलो भाई यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब इसकी बज्जी लेते हैं, आ जाइए अब इसकी लेंगे तो देखो पहले सॉल्व करो,
पचम 25, 24 बटे 5 पलट दो, 5/24, 5/24, 24 दुनी 48, 48 और 48 और प्लस 5 कितना होगा 53, तो 24/53, 53 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 106 और कितना होगा 106 और 24 130, 53/130। अरे यार ये तो सही, तो दोनों तरफ यही आ रहा है क्या, इधर भी 53/130 आ रहा है, इधर भी 53/130 आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा। अब बात कहां की थी पता है आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 106/130 आ रहा है, ठीक है माय डियर। हाँ लेकिन आंसर अप्रोक्सीमेशन में नहीं देना, मैं कह रहा था ना गड़बड़ है साइन में कहीं ना कहीं, तो गड़बड़ पता है कहाँ थी, ये डिवाइड का साइन है, तो आ रही नहीं था हाया हमारा टाइप। तो आंसर क्या होगा, आंसर वैसे तो प्लस है तो ये होगा और डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है माइडियर, मुझे लगता है कोशिश सबने की थी लेकिन सबके आंसर अलग आए, तो उनको लगा पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जा नहीं सकता ना उसके पास, वो घर से करके भेजता है काम, तो वो क्या करता है बढ़िया फोन पे रह के बात करके करके टाइप करता है, ये गलतियां होती हैं उससे। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो भाई मैं वही चेक कर रहा हूँ भाई, साइन वाइन में कोई दिक्कत ना हो, आई थिंक प्लस भाग ऑफ दो, ये तो ठीक होना चाहिए, ये तो ठीक है, इसका तो आंसर मिल गया होगा तुम्हें। हम क्या करेंगे 3/4, ये 2/3, तो 4 × 8 9/4, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 4 × 8 और 9/4, तो डिवाइड है 2/3 × 9/4, 3/2, अब डिवाइड कर सकते हो 3/4 × 2/3, 1/2, यानी कि पूरी की पूरी रामायण कितनी आई है, पूरी की पूरी रामायण निकल कर आई 1/2, यानी कि इस पूरे का पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, प्लस इसको क्या लिखेंगे 16 × 4 = 20, 20/ ये हो जाएगा कितना 4, यानी कि 5, ठीक है। अब डिवाइड है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको उल्टा करूंगा, दो ये हो गया 1, यानी कि ये हो गया 4/9, 4/9 हो गया, तो 4/9 और यहाँ कितना आ रहा है, उल्टा लेके जाओ इसको, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4 × 4, 9 से काटा 2 बार, 4 से काटा 4 बार। अब भैया देखो क्या हो रहा है कहानी, सही कर रहा हूँ ना सर? हाँ सर, वो भी सही है ना, ऑल ओके नहीं है, 3/4 ये तो ठीक है, प्लस 5 ये कितना आ रहा निकल कर, यानी कि इसमें भी 4/9 होगा क्या, आप ये कहना चाह रहे हो? ओके 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 सर, 16/81 होगा, मैंने गड़बड़ किया क्या इसमें, दोबारा करता हूँ, दोबारा बताना आप, बताना ठीक है, दोबारा बताना आप लोग। डिवाइड है, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो कितना आ रहा है ये, अच्छा अच्छा तो मैंने एक कर दिया था ना, मैं चंदू हूँ वास्तव में, 4/9 × 4/9, अब फिर मैं उसका उल्टा ले लूँगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने सोचा कट जाएगा, होशियारी सब रखी रह जाती है देख लो, है ना, तो गलती से भी गलती मत करना, बस ध्यान रखना लाइफ में। अब कट गया, ये पूरा गया, ख़त्म काम इसका, तो ख़त्म काम 1/16 बचेगा और 16×5 = 80, ये आ रहा है आंसर। हाँ ऐसा क्वेश्चन करने में मज़ा तो आता है ना, आज का टेस्ट है ना, जो लाइव टेस्ट कराऊंगा आज, मैं आज जो लाइव टेस्ट कराऊंगा ना 3 बजे, वो भी बढ़िया टेस्ट है यार, मतलब एक नंबर टेस्ट है आज, बढ़िया क्वेश्चन है उसमें सारे, मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले। आगे चलें, चलो इसको करते हैं, अरे यही होता है और कहाँ होता है, ये नहीं हुआ, देखते हैं भाई होता नहीं होता। देखो सिंपल लॉजिक है, इसको क्या लिखेंगे 732, परिवार में पूरे पूरे लोगों पर छतरी है, यानी कि 999 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, पूरा परिवार है 0679, इसमें से कौन निकलेगा, परिवार कौन छोड़ रहा है, 06 बटे किन के ऊपर छतरी है, केवल 2 के ऊपर है 99 और 2 के ऊपर 0 अंडा, आई बात समझ में, अपॉन नीचे क्या आता है 68/99,
प्लस 587 अपॉन 999। क्लियर है यहाँ तक? सब लोगों ने यहाँ तक किया होगा, यहाँ तक चेक किया होगा। अब ये कितना हो रहा है, 732 अपॉन 999 माइनस 673 अपॉन 9900 अपॉन 68 अपॉन 99 प्लस 587 अपॉन 999। एक तरफ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिनोमिनेटर तो कट जाएगा साहब, बोलो कट तो कटता हुआ लग ही रहा है ना अपन को भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ सर, 100 आएगा क्या? 100 आएगा बताओ, कहाँ से 100 आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बात, एक बार मुझे एक्सप्लेन करो कि सही है ना सर? 999999 कट जाएगा, एक काट को लेते हैं उसको। अरे सर डिनोमिनेटर में काट के डिनोमिनेटर 100, देन 100 बच जाएगा। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो और मैं भी तो वही कह रहा था कि डिनोमिनेटर जो लेंगे हम लोग उसमें यहाँ पर 100 एक्स्ट्रा आएगा, बस 100 एक्स्ट्रा आएगा। हो सकता है भाई यहाँ भी कोई गड़बड़ हुई हो, टाइपिस्ट है वो, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इसमें आंसर ना भी हो। अरे यार उसको आ गया होगा आलस, मैं सही बताऊँ ऐसे क्वेश्चन मैंने उसको कभी दिए तो नहीं टाइप करने के लिए। अब उसने क्या किया, उसने सोचा भाई देखते हैं भाई आज क्या होता है। चलें अब आगे चलें, अब आगे चलता हूँ तो एलसीएम कितना ले लूंगा, 999 into 999 7320 minus 673 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा 68 into 999 plus 587 into 99, ठीक है, और नीचे वो आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 100 किधर बचेगा, नीचे आएगा 100, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है, ठीक है ना, तो उससे भी दिमाग लगा सकते हो। और यूनिट डिजिट से हो रहा है क्या, 9872 का 2, 9763 का 3, 5 आएगा यूनिट डिजिट में। बात को बात समझ में आ रही है, आंसर तो ये आ गया अपना, बात तो बिल्कुल सही की मैं, और बिल्कुल सही आंसर हो रहा है ये, मैंने पॉइंट नहीं देखा था कि पॉइंट हटा के 0 आएगा ना, एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, दिमाग लगाओ ना यार, सॉल्व भी नहीं करना था ये तो, मैं खुद ही नहीं देख पाया उस पॉइंट को, लेकिन है पॉइंट सही है यार, और यूनिट डिजिट से भी हो रहा है, और नीचे 100 आना वाजिब है, वो तो आएगा ही क्योंकि कुछ और बच ही नहीं रहा है हमारे पास। मस्त मजा आ रहा है यार, मैं ऐसे क्वेश्चन करने में दिल खुश होता है यार कि भाई कैट का क्वेश्चन है यूं खड़का देते हैं, चीज़ों को देखो हमेशा मैनिपुलेट करना सीखो, अपने आप को डोमिनेट करो यार, जो भी है वो सिस्टम सेट कर लो पहले, फिर देखो कि यार ऑप्शन को कैसे खेल सकते हो। भाई आया समझ में बात, जो मैं समझाना, देखा है देखा ही नहीं पॉइंट, मैंने देखा बाद में पॉइंट है तो नीचे 100 आएगा, 100 में एक ही ऑप्शन आ रहा है बस। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओहो ये भाई खतरनाक है, जोरदार क्वेश्चन है ये, हाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब दिखाता हूँ। देखो भाई देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ये रूट आ रहा है, यानी कि आपको ये कौन सी संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा चिंता मत करो, अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, तो इसका एक नियम होता है माय डियर। अब मुझे पता है कि किसी ना किसी का होल स्क्वायर है, लेकिन बनाना पड़ेगा 2 plus under root 15/4। अब चलो सोचते हैं भाई, बिना सोचे तो काम चलेगा नहीं, जीवन है ये, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 plus under root 15/2 लिख सकता हूँ, मुझे इतना पता है कि भाई साहब ये क्या है, ये मेरा 2ab होना चाहिए, मैं इतना जानता हूँ बस। ठीक है जानते हो तो बढ़िया बात, हम क्या करें बताओ, हम क्या करें सर, तो मैं ये कहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2ab होना चाहिए, और 2ab अगर मैं अंडर रूट 15/√2 के बराबर कर देता हूँ, तो a गुणा b कितना होना चाहिए सर, √5/2, √3/2 चलेगा क्या, दौड़ेगा या चलेगा, बिल्कुल चलेगा, यानी कि मैं ये अंदेशा लगा सकता हूँ कि सर √5/2 और √3/2, यानी कि a और b अगर मैं ये मान लेता हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, स्क्वायर करके देखता हूँ, देखो एक बार ट्रायल मार रहा हूँ बस मैं,
मेरे पे गुस्सा मत हो ना तुम लोग। मैंने मान लिया ए स्क्वायर, मैंने मान लिया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, और मैंने यहाँ देखा रूट फाइव बाई टू, रूट थ्री बाई टू, एक बार ट्राई कर रहे हैं बस हम लोग। मैंने यहाँ देखा ये कितना आ रहा है, पाँच और तीन आठ बटे चार बटे, ये आ गया दो, और ये कितना हो गया रूट पंद्रह बटे चार, हो गए बल्ले बल्ले, यही आ गया। तो अब क्या दिमाग खुल गया क्या, इसका तो स्क्वायर रूट है ये। सर ये तो पता लग गया कि ए हमारा ये तो रूट पाँच बटे दो प्लस रूट तीन बटे दो का होल स्क्वायर है। सर दोनों में चार का गुणा कर दीजिए, उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्टली टू ए बी को इसके बराबर कर दो, ए बी का मान निकालो, उनके टुकड़े करके देख लो कि ए ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा, कोशिश करो ये बड़ा हो, क्योंकि माइनस में भी पहले बड़ा वाला आता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं इसको मिटा मिटू के सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ, आपके दिमाग से दिमाग लगाओ देखो, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि सर आपने हमें बता दिया कि ये रूट पाँच बटे दो प्लस रूट तीन बटे दो का होल स्क्वायर था, और आपने इसका रूट निकाला तो ये इतना बच गया माइनस, बात समझ में आई क्या। अब क्या करना है, अब इस वाले को सॉल्व करना है, अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, अपना तरीका अपनाइए और अपनी जान बचाइए। तो देखो मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, रूट बारह, चार दिया बारह होता है सर, यानी कि टू रूट तीन और ये टू रूट टू, अगर मैं इसमें से टू कॉमन ले लूँ, मैं इसको अगले पन्ने पे चलूँ लेकर वहाँ से सॉल्व करके ले आएंगे ना, रूट बारह प्लस रूट आठ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया टू रूट थ्री, ये कितना हो गया टू रूट टू, मैंने टू कॉमन ले लिया, वन बाई टू कॉमन ले लिया। अब ये बताओ, मैंने आपको कल परसों एक चीज़ बताई थी, कभी भी ऐसा कोई रैशनलाइजेशन करना हो और जिसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ रहा है वन आ रहा है, सीधा उल्टा हो जाता है, यानी कि सर ये डायरेक्टली हो गया रूट थ्री माइनस टू बाई टू, कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो यार तुम लोग। अब पुट कर दो यहाँ पर, रूट थ्री माइनस, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और अंदर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, कटी गयो, कटी गयो ना, तो कितना आएगा रूट फाइव प्लस रूट टू बाई टू, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया, किसी को देना ये क्वेश्चन तुम, है ना भाई, क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे। अरे यार चीज़ें सीखो, ऐसी सीखो यार, मजा आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को बढ़िया करना है, देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी फील कहाँ है पता है, फील वहाँ पर है जब आप कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करते हो दिन में जो आप नहीं कर पाते थे, और चीज़ें देखो वही है ना, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें वही लग रही हैं, बस थोड़ा बिगाड़ा हुआ है, सब कुछ वही लग रहा है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि बड़े एग्जाम में कुछ अलग लग जाएगा, छोटे एग्जाम में कुछ अलग नहीं लगेगा। सर रूट फाइव नहीं समझे, कौन सा रूट फाइव, ये वाला, इसके टुकड़े करने होते हैं डियर, ये होल इस, ये रूट है ना, इसका रूट निकालने का तरीका है, चार गुना करके वो इजी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं सर ये चीज़ें। लेकिन नेक्स्ट करिए, किया किसी ने सॉल्व, सर क्वेश्चन बता दीजिए, चलो ऐसा करता हूँ क्वेश्चन ले लेता हूँ, दाओ पहले इन क्वेश्चन होते, फिर मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, इसको करो कैसे करेंगे, वैसे आसान है, डराने वाला क्वेश्चन है, बस डर लग जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी टू ए बी प्लस बी, ये कितना आ रहा है बी स्क्वायर है, तो इंस्टेंट नहीं, ऑल ओके, ठीक है वो, ठीक है वो, ठीक है वो, जानबूझ कैसा दे रखा है, जानबूझ कैसा दे रखा है, देखो यही है वो चीज, ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है, और ये क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है ना, प्लस दिख रहा है आपको ए बी, किसी को दिख रहा है, कितना मतलब है ना, कितना मतलब चालबाज है एग्जामिनर, कैसे कैसे क्वेश्चन बना दिया, और इसको सॉल्व कर लो, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर होता है, नीचे वाले को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी और प्लस ए बी, ये तो कट गया, बचा तो यही है, सोचो मतलब उसके दिमाग की, वो देखो तुम कुछ करवाना क्या चाहता है, पहले तो इसने होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, फिर माइनस टू ए बी भी लिख दिया, तो उसको पता लग गया कि अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और फिर प्लस ए बी भी लिख दिया उसने, क्यों, इससे कि ये वो बना सके, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ से काट देगा वो, यानी कि ये कुल मिला के पूरी रामायण क्या है, ए माइनस बी यानी कि सोलह, बस इतनी बड़ी रामायण सोलह है, क्लियर हो गया माइडियर। चलिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोलह ऑप्शन क्या आएगा आंसर, बीच में प्लस दे रखा है, केवल एक ही आंसर है, उसको चाहे सॉल्व करो चाहे मत करो, प्लस है तो बढ़ेगा ही ना संख्या, छोटे तो होगी सर, इसका सॉल्व करना है, देखो बहुत अच्छा चीज़ है, करें सॉल्व इसको, 625 के करो पहले तो पोस्टमार्टम, कभी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, लेकिन माइनस को अगर प्लस में बदलना है तो क्या करोगे, क्या मैं कह सकता हूँ,
इसको नीचे लेके चले जाओगे, ये तो 16 है ही, 1/625, यहाँ इसकी 3/5 कर लो, यहाँ इसका 5/7 कर लो, यहाँ इसका 7/3 कर लो, तो एक्चुअल में पावर क्या बचेगी, एक्चुअल में पावर बचेगी 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बचेगी, यानी कि ये 1/625 है कुल मिलाकर। इसी तरीके से इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, 125 की पावर 4 है, इसको गुणा किया मैंने 8/3 से और इसको गुणा किया मैंने 1/8 से, 8 से 8 कट गया, पहले मुझे √3 निकालना है, यानी कि 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 क्या होता है, 25 25 25 कट गया भैया, 1 आ गया ऊपर, मानते हो नहीं मानते, ऊपर पूरा 1 आ जाएगा। अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे कितना आएगा, 1024, ये मैं जानता हूँ आप भी जानते हो, 2 की पावर 10 होता है, लेकिन नहीं पता कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3/5 है, इसकी पावर 2/9 है, सॉल्व करेंगे, देखो 9 से 9 गया, 5 से गया 2 बार, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 1/16 कितना होता है, 0.25, 1/16 6.25 होता है, 6.25 होता है ना, अरे रूट भी है ना, हाँ रूट भी तो है, मैं तो भूल ही गया था, ये कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 क्या होता है, 0.25, तो 16.25 आएगा, मजा आ गया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, मेरा तो हो गया। बाकी ये क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, कर लेना इनको, है ना, सॉल्यूशन अभी डाल दूंगा, ये देखो ऐसा लग रहा है कि फैल रहा है बस, ऐसा होता है ना कोई एक्सपेरिमेंट का कोई फॉर्मूला होता है, साइंटिस्ट देख रहे होते हैं वो वाला है, इनके तो मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा सभी की, अभी डाल दूंगा, है ना। अब मैं राजू का डाउट ले लेता हूँ, राजू सिंह का डाउट ले लिया भाई मैंने, राजू सिंह कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप जरा, 75वां, एक बल्लेबाज अपनी 51 भी पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत इतने से बढ़कर 60 हो जाता है, तो 51वीं पारी में रनों की संख्या, 51वीं पारी में क्या करता है वो, रन बनाता है, मेरी बात सुनो, जाने दो, 50 पारियों का औसत कितना था, 59.6, 51वीं पारी यानी कि एक पारी तो है, उसमें औसत कितना था पता नहीं, और बढ़कर कितना हो गया 60, एलिगेशन लगा दो आपको, मस्त रहो, एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ कितना निकल कर आ रहा है, 0.4, तो 1:1 अगर 0.4 है तो 50:1 कितना होगा, 50:20, ये ज़्यादा है इससे, ये क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 80, क्या पूछा गया है, पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है, 80 आ जाएगा, मजा आ गया, आया मजा, आगे चले, दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा अपने आप। राम कुमार ने क्वेश्चन भेजा है, ये क्वेश्चन जब से हमने रेलवे पढ़ाना स्टार्ट किया तब से घूम रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन अजम्पशन से होता है, इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, अजम्पशन से ये क्वेश्चन होता है, सांद्रा और मयूरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, अजम्पशन मानना पड़ता है, 3-4 उस तरीके से क्वेश्चन कर पाता है, ठीक है डियर। सबको आवाज आ रही है, चलो एक भाई ने क्वेश्चन भेजा है उसको भी ले लेते हैं, फिर हम अलविदा कहेंगे आपको, अलविदा क्यों कहेंगे, मिल रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद। एक एक क्लास में 70 लड़कियां हैं, अगर लड़कियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो क्लास का कुल वजन 42 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, प्रति लड़की औसत 1 किलोग्राम कम हो जाता है, लड़कियों की मूल औसत बताइए क्या होगा, बताओ। एक कक्षा में 70 लड़कियां हैं और अगर लड़कियों की संख्या में 7 बढ़ जाती है, लड़कियों की संख्या, तो क्लास के कुल वजन में 42 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक लड़की 6 किलोग्राम वाली आई और प्रति लड़की औसत 1 किलोग्राम कम हो जाता है। मैंने मान लिया कि पहले औसत मेरा क्या है, एक्स है, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं करना चाहें, लेकिन मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, एक पहले औसत एक्स था, ठीक है, तो 70 लड़कियों का वजन इतना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, 70 लड़कियों का वजन इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 7 लड़कियाँ आती हैं तो टोटल वजन 42 किलोग्राम बढ़ जाता है, 7 लड़कियाँ आ रही हैं लेकिन उनका 42 किलोग्राम वजन बढ़ गया, वजन बढ़ने के बाद क्या हो गया, जो प्रति लड़कियों का औसत था ना वो एक कम हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वन हो जाएगा, और अब लड़कियां कितनी हैं, 77, यही तो है 77 का औसत, तो अब यहाँ से निकाल लूँ, सब एलिगेशन भी लग जाएगा इसमें, ध्यान रखना है ना भाई, मैंने एलिगेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ मैं इधर ले गया इसको, तो 7x बराबर देखो कितना आ रहा है, 77 + 42, तो मैं 7 से काटूंगा, देखो इसको 11 बार, इसको काटूंगा मैं 6 बार, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका
तो लड़कियों का मूल कितना था? वो सब 17 था। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुआ आइडिया? कितना आसान है, एलिगेशन से फोड़ सकते थे आप इसको। समझ में आ रही है एलिगेशन कैसे लगाते? फाइनल औसत एक्स माइनस वन है, एक्स ये हो गया, छः ये हो गया और एक्स माइनस वन। एलिगेशन लगाओ, जान बचाओ। यहाँ पर 70 लड़कियाँ हैं, यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं? 7 लड़कियाँ हैं, और बस 10/7 के बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा एक्स। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं फिर, है ना, 3 बजे टेस्ट में।